देखे उन लोगों बताया मैम वोट डाला आपने। हाँ। क्या अपील करना चाहेंगे बाकी लोगों से? हम घर से अभी निकल के आए हैं, वोट लोकतंत्र के लिए वोट डाले हैं। आप जितनी भी महिला लोग अभी घर में हैं वो आइए और वोट डालिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम शारदा कुमारी है। कौन सा वार्ड है? 21। परिवार के साथ? जी हाँ हम दोनों एलिजिबल थे तो हम बच्चों को छोड़ नहीं सकते थे घर में, तो इलेक्शन और ये जो उत्सव है तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो जाना ही चाहिए, छोड़ना तो नहीं है। इस वजह से जो डाला है आपने, क्या मुद्दा रहा आपका वोट डालने का? ग्रोथ पे हम एक्चुअली पूर्णिया को देखते हैं कि हमारा पूर्णिया हमारे शहर के लिए जो नेता चुन करके आए वो है ना, मैंने हमारे लिए फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है, कि वो हमारे लिए काम करे, ठीक है, जो पूर्णिया की ग्रोथ जिससे हो, ठीक है, इसीलिए हम लोग सेंट्रलाइज्ड कुछ ये नहीं करते हैं, बस अपने शहर को लेकर के काम। क्या नाम आपका? मेरा नाम शादाब खान है। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अंदर जब गए तो बिल्कुल नया चीज़ होगा, क्या सोच कर अंदर गए, कैसे वोट देना होगा, किन उम्मीदवार को चुनना होगा? ये सोच के गई कि मेरा राइट है और राइट टू वोट है तो मुझे देना चाहिए, और एक जागरूक नागरिक को तो वोट देना ही चाहिए, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि और मेरे से इंस्पायर होकर के और भी लोग दे वोट, और ये नहीं सोचे कि इतनी गर्मी है इतनी ठंडी है, बट आपका राइट है, अगर आप चाहते हो कुछ बदलाव हो तो आप प्लीज़ वोट करें। हम आज दिखे किन मुद्दों पर वोट देने आए हैं आज? मेरा फर्स्ट टाइम वोट है, बहुत एक्साइटेड हूँ, और सबको वोट देना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है वोट देने के लिए। आपके हाथ में है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, आपके हाथ में है कि आप देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। मुद्दा क्या होगा? जब आप वोट देने के लिए गए तो दिमाग में क्या चल रहा था, वोट कैसे कैंडिडेट को देना था आपको? जो कि देश को बदल सके उसको वोट देना चाहिए। परिचय बता देंगे अपना? मेरा नाम तस्मिया आसद है। क्या हुआ आपके साथ? हमको क्या पता, यहाँ पर आए देने के लिए तो बोलता नाम ही कट गया आपका, बेटा का भी नहीं है, बहू का भी नहीं है। अच्छा, पर्चा वगैरह जो बीएलओ की तरफ से आता है घर पे, अभी कुछ नहीं आया, पर्चा आया ही नहीं है, पर्चा ही नहीं आया ना, किसी के नाम का ना, किसी के नाम का नहीं। कहाँ घर है आप लोगों का? खीरू चौक। मेरा खीरू चौक मलियाबाड़ी, वार्ड नंबर 21। कराए हैं आप जी अपना वोट, अपने विकास, अपने शहर के लिए, अपना जनता के लिए अपना वोट सही जगह पर गिरा कर आ रहे हैं। अच्छा, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? विकास के लिए, विकास के बारे में सोचिए, आप सब कुछ है पूर्णिया में, एक विकास का एक माहौल बनना चाहिए, आप विकास होना चाहिए। घर से निकल के मतदान की अपील करेंगे? जी जरूर, आप कृपया अपने अपने घर से निकले और अपना मतदान करें। बताइए किस मुद्दे पर आप लोग वोट डालने आए हैं? पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा वैटल मुंडा मुद्दा, कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता है, विकास यहाँ पे नहीं हुआ है, गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, ये सब को अनदेखी किया गया है, जात का और बिरादर का विकास हुआ है और परिवार का विकास हुआ है, इसलिए पूर्णिया को बदलाव चाहिए। और निश्चित रूप से पूर्णिया की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी किया है, पूर्णिया बदलेगा और बदलाव जब होगा तभी पूर्णिया बदलेगा, तभी पूर्णिया का उन्नति तरक्की होगा। अब लाइन बाजार सबसे इम्पोर्टेंट जगह आप देख रहे हैं, कितना जाम का समस्या है, और इम्पोर्टेंट नहीं, इमरजेंसी जगह है लाइन बाजार, चलने का जगह नहीं है। आज 15 साल से एक नाला का, मैं पहले भी बात उठाया था, आज तक उस नाला का निर्माण यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों ने नहीं करा पाया, इसलिए अब इस बार हर हाल में बदलाव चाहिए, जब बदलेगा तो पूर्णिया बदलेगा और पूर्णिया विकास होगा, उन्नति और तरक्की को और पूर्णिया जाएगा। वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दिया गया है, नाम है ही नहीं। कितने लोगों का लगा? हमारे परिवार का सिर्फ मेरा है, और लोगों का, मेरा पत्नी का, मेरे बेटा का, बहू का। वोट था आपके घर में? मेरे घर में 4 वोट था। सिर्फ एक ही पड़ा है? एक ही पड़ा। तो क्या मुद्दे पर वोट देना दिए है आज? मुद्दे पर प्रधानमंत्री का चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री का क्या मुद्दा होगा पूर्णिया का विकास को, देश को देखते हैं? प्रधानमंत्री का जो विकास का रैली है उसी में हम भी साथ हैं। और जनता से अपील करना चाहेंगे जो वोट देने नहीं आए हैं? जरूर करेंगे।
अभी इतनी गर्मी है, मैंने इस गर्मी में निकल के वोट किया है, आप भी घर से निकल के वोट करें और लोकतंत्र का भागीदार बने। का महापर्व है, किन मुद्दों के साथ आज जनता निकली वोट डालने के लिए? मुद्दे तो बहुत हैं, मैं पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से बोल रहा हूँ। अभी मैं नया टोला मध्य विद्यालय में मैंने अभी भी चुनाव किया है और यहाँ अभी तक 200 से ज़्यादा लोग वोटिंग पड़ चुका है मेरे बूथ में। लोगों में गर्मी के चलते थोड़ा अभी सुबह सुबह उत्साह की कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा होगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो हम लोगों के लिए तो शांति और विकास है। हम लोग पूर्णिया जिस माहौल में रहे हैं हमेशा, वो माहौल हमें आगे भी मिलते रहे और पूर्णिया का जो लोग हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बने रहें। और पूर्णिया जो है एयरपोर्ट का डिमांड जो है वो इस इलेक्शन के बाद जितना जल्दी से जल्दी हो पूर्णिया को एयरपोर्ट मिले, जिसके लिए पूर्णियावासी बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा तो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट हम लोगों को जितना जल्दी से जल्दी हो मिलना चाहिए। वोट डाला है जो कि पूर्णिया का विकास करे, अच्छे से रहे कहीं, और क्या बोलते हैं मतलब कभी भी आम पब्लिक के बीच में जो नेता आसानी से पहुंच जाए उसकी ज़रूरत है यहाँ पर। अचानक अगर किसी को कोई भी काम पड़े तो भाया मीडिया नहीं पहुँचे, डायरेक्ट टच यही चाहिए। नाम बता देंगे आपको? सुशांत शेखर। बाकी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो अब तक वोट नहीं डालने आए? ऐसे लोग को मतदान करें, हम लोग सब आदमी मिल के जो हमारे समाज के लिए बढ़िया हो, शांति से हमारा समाज चले, देश चले, बस यही अपील करेंगे। और मतदान जरूर करें, मतदान सभी लोग आके करें। अच्छा, आपके बूथ में क्या वोटिंग बढ़ चढ़ कर हो रहा है या स्लो सा दिख रहा है? नहीं, अभी तो देखने में स्लो ही आ रहा है। धूप के कारण भी हो सकता है कि कुछ अभी परसेंटेज कम चल रहा है, लेकिन होगा दोपहर तक में हमको लगता है बढ़ने की चांसेस है। हम डाले हैं जो वो सांसद चाहिए हमको जो मेरे घर पे मेरे समाज को एकजुट ले करके चले और मेरे समाज में विकास बेहतर से बेहतर करे, इसके लेके हमने वोट किया है। और जो पूर्णिया की स्थिति अभी है और वो तो किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, ये सब बात देने के लिए गए थे, क्या मुद्दा था आपके दिमाग में जो वोट डालने पहुंचे थे? हमको यही लगा कि वोट देना चाहिए और जो अच्छा काम करे उसी को देना चाहिए। बाकी महिलाओं से अपील करना चाहेंगे? सभी को वोट देना चाहिए, महिला हो या पुरुष हो, सभी को देना चाहिए। क्या नाम है? ये अपना अधिकार है। क्या नाम है? अंजलि देवी। कराया आप जी, किस मुद्दे पर वोट दिए हैं? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पर पूर्णिया वालों से अपील करना चाहेंगे कुछ? हाँ, जो काम करे उसके लिए वोट करें। वोट जरूर करें। जरूर करें। कड़ी धूप में वोट देने आए हैं और सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि वो भी वोट देने आए। क्या नाम है? गजाला प्रवीण। उजाला है, बोलने किया बोलने हो जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।